दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता केएस चौहान ने दुर्ग निगम प्रशासन पर निरंकुश होने का आरोप लगाते हुए कहा कि विगत 30 दिनों से तोड़फोड़ की ताबड़तोड़ कार्यवाही चल रही है, मगर कहीं दिख नहीं रहा। निगम में गतिविधियां नदारद हैं, कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है। निगम क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग हो रही है, लेकिन राजनीतिक दबाव में कार्यवाही रोक दी जाती है। यही हाल पटवारी कार्यालयों का भी है। पटवारियों का ऑफिस में बैठने का समय निर्धारित है, मगर कोई समय पर नहीं मिलता। आम जनता अपने काम के लिए भटकती रहती है। प्रशासन ढीला है, व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जब शासन स्वार्थी हो जाता है, जो प्रशासन निरंकुश हो जाता है, उन पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं रहता। विगत 30 दिनों से ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, लेकिन सिर्फ साइडों में कार्रवाई हो रही है और उसका पेपर्स में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। नगर निगम में एकदम नदारद है, कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दबाव के कारण वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। अवैध प्लॉटिंग बोरसी, धनोरा और लक्ष्मी नगर में धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यही हाल राजस्व विभाग का है, यही हाल प्रशासन विभाग का है। अगर कोई आदमी पटवारी के पास जाता है नकाम लेके, तो पटवारी मिलता ही नहीं है। 5-5 दिन तक पटवारी नहीं मिलते हैं। जब एक समय है वहां पर पटवारी के बैठने का ऑफिस में, तो वो भी मिलते नहीं है। किसान और दूसरे जो प्लॉट लेने वाले हैं या जो जमीन का काम करना है, जिनको काम अपना आगे बढ़ाना है, जिनको कंस्ट्रक्शन करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ चक्कर लगाते रहते हैं, कोई काम नहीं होता। यही हाल नर्सिंग होम्स का भी है। मनमाने लिए रेट लिए जा रहे हैं, कोई चार्ट नहीं है, कोई रेट लिस्ट नहीं है। रेट लिस्ट उनके काउंटर में ही टंगा रहना चाहिए। ये सभी जो चीजें हो रही है वो प्रशासन के नदारद होने से हो रही है। प्रशासन एकदम ढीला है, चरमराई हुई व्यवस्था है, इस वजह से हो रही है। जब शासन स्वार्थी हो जाता है तो प्रशासन निरंकुश हो जाता है, उनको कोई भी अंकुश लगाने वाला कोई नहीं रहता है। ये जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए और इस पर कड़े का